नमस्कार। 50 के दशक की बात है, मुंबई में 4 साल की एक छोटी सी बच्ची सुबह उठती है और संगीत के आकार और स्केल का अभ्यास शुरू कर देती है। मैं इस 4 साल की बच्ची से संगीत के इतने गंभीर अभ्यास की बात थोड़ा चौंकाती है, लेकिन चूंकि उस बच्ची की माँ खुद संगीत से जुड़ी थी, उनके पिता संगीत प्रेमी थे, इसलिए रियाज के संस्कार बचपन से ही उनके अंदर आ गए। सुबह उठते करीब घंटे भर यह अभ्यास चलता। रियाज के पूरे दौरान उनकी माँ उनके साथ रहती। 1 घंटे का अभ्यास और उसके बाद ही दूध का पहला घूंट उनके मुंह में जाता। पहले रियाज, फिर स्कूल, फिर वापस आके घर के बाकी कामकाज और फिर संगीत साधना। 6-7 बरस तक करीब ऐसे ही चला। और 8 बरस की उम्र रही थी उस बच्ची की जब पहली बार संगीत के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। 14 बरस की उम्र में उन्होंने बाकायदा रामनवमी के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति भी दी। वो छोटी सी बच्ची आज शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। देश विदेश के लोग उन्हें चाहते हैं, सराहते हैं। तमाम पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और उस कलाकार का नाम है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम का जन्म 30 अक्टूबर 1952 को मुंबई में हुआ था। बचपन में उन्होंने अपनी माँ राजलक्ष्मी सेतुरमन से संगीत सीखना शुरू किया, जो खुद भी संगीत सीख चुकी थी। पिता को संगीत की समझ थी, वो संगीत प्रेमी थे और रेलवे में अधिकारी थे। उनके यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत के कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। ऐसी ही एक बैठक में उनके यहाँ थंजावुर वृंदा आई हुई थी। थंजावुर वृंदा कर्नाटक संगीत की बहुत जानी मानी और प्रतिष्ठित कलाकार थी। उन्होंने दिग्गज वी धन्नामल से संगीत सीखा था। थंजावुर वृंदा को 1976 में मद्रास के बेहद प्रतिष्ठित सम्मान संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। खैर, थंजावुर वृंदा उस वक्त कुछ दूसरे कलाकारों को सिखाने के लिए आई थी। अरुणा को तो बस वहाँ बैठना होता था, लेकिन उनकी किस्मत में एक महान कलाकार से जुड़ना लिखा था। लिहाजा गुरु के तौर पर थंजावुर वृंदा को अरुणा साईराम में अपनी शिष्या मिली। परंपरागत तरीके से उनकी संगीत साधना शुरू हो गई। बाद के दिनों में उन्होंने और भी कई दिग्गज कलाकारों से कर्नाटक संगीत के अलग अलग पहलुओं को सीखा। इस परिश्रम और लगन के बाद अरुणा साईराम एक बेहद परिपक्व कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। बावजूद इसके अपनी कला को लेकर शुरुआती दिनों में उन्हें एक भय सा रहता था। 70 के दशक में उन्होंने चेन्नई में स्टेज कार्यक्रम शुरू किए, जिसके लिए गुरु थंजावुर वृंदा ने उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी थी। अगले कई साल तक मुंबई और चेन्नई आना जाना लगा रहा। अरुणा साईराम आज इतना बड़ा नाम है, लेकिन आप जानते हैं एक वक्त था उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस से बहुत डर लगता था। वो खुद अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो स्टेज पर जाती थी उन्हें घबराहट होती थी, उनका आत्मविश्वास हिल जाता था। उन्हें लगता था स्टेज के लिए जो काबिलियत चाहिए वो उनमें नहीं है। वो बाकी कलाकारों के मुकाबले खुद को 19 मानती थी। और ये घबराहट उनके अंदर इस कदर बस गई कि एक बार उन्होंने जाके अपने पिताजी से सवाल ही पूछ लिया कि मुझे संगीत पे क्यों डाला। और इस धीर गंभीर सवाल का जवाब उनके पिताजी ने भी बड़े धैर्य से कहा, अरुणा आप जब चाहें संगीत छोड़ सकती हैं। ये अलग बात है कि पिता की तरफ से मिली इस आज़ादी के बाद भी अरुणा संगीत नहीं छोड़ पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तक संगीत ही उनकी जिंदगी बन चुका था। एक रोज उन्हें एहसास हुआ कि हो सकता है कि वो स्टेज की एक बहुत सफल कलाकार ना बन पाए, लेकिन वो एक गायक तो बन ही सकती हैं। बस उसी दिन से अपने संगीत को लेकर उनके मन का संशय दूर हो गया। वो चाहत खत्म हो गई कि स्टेज पर बैठते ही सही सुर लगाने लगे और श्रोता वाह वाह करने लगे। अब ये अभिलाषा मन में आई कि स्टेज पर बैठे तो अपने गुरु और उस शक्ति को याद करें जिन्होंने उन्हें गायकी के गुण समझाए। उन्हें अब समझ में आ गया कि स्टेज पर जाने के बाद बहुत सारी बातें कलाकार के हाथ से निकल चुकी होती हैं और ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने श्रोताओं को अपनी गायकी के जरिए सिर्फ प्यार और भरोसा दिया और बदले में उन्हें वही प्यार और भरोसा वापस मिला। संगीत की दुनिया को अरुणा साईराम की देन केवल उनके स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि वो चीज़ें हैं जो उन्होंने संगीत के साथ प्रयोग किए। उन्होंने देश के ही कलाकारों के साथ नहीं, विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर तमाम प्रोडक्शंस किए हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियतों के साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता पर संगीतमयी प्रस्तुति दी है। अब तक उनके करीब 50 रिकॉर्ड तैयार हैं। उन्होंने संगीत से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं।
वो कोलकाता में संगीत रिसर्च अकादमी से जुड़ी हुई हैं। संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष हैं। कर्नाटक संगीत की सेवा, प्रचार प्रसार और उनकी सक्रियता के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, और ये उनकी महानता ही है कि संगीत के शिखर पर पहुंच के भी वो खुद को संगीत साधिका के रूप में ही अपनी पहचान कराना चाहती हैं। और हमारी ये दुआ है उनका संगीत का ये सफर यूं ही चलता रहे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं।